भारत में हर कोई 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के बनने के बाद इस दिन प्राण प्रतिष्ठा का काम होना है। इस कार्यक्रम में देश विदेश के हजारों मेहमान शामिल होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC भारत और मैं हूं आपके साथ नेहा आनंद। आपको बता दें कि 22 जनवरी को PM नरेंद्र मोदी अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले हैं। इसी के चलते सभी तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश दिए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 22 जनवरी 2024 को PM मोदी सुबह 11 बजे राम जन्मभूमि परिसर आएंगे। इसके बाद 11:30 बजे भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचेंगे। खबर जौनपुर के मछली शहर से है, जहां अयोध्या से आई हुई पूजित अक्षत कलश की विशाल भव्य शोभा यात्रा नगर भ्रमण करके सम्पन्न हुई। मछली शहर में सोमवार को विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में सम्मानित हिंदू भाई मौजूद थे। जैसा कि ज्ञात हो कि यह विशाल शोभा यात्रा सोमवार दोपहर 2:30 बजे सरस्वती मंदिर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से निकाली गई, जो पूरे नगर भ्रमण करके मुगरा बादशाहपुर तिराहे पर स्थित हनुमान मंदिर पर संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में अयोध्या से आई हुई पूजित अक्षत कलश रखा हुआ था। इस कार्यक्रम के आयोजक प्रभात जी जिला प्रचारक जी थे। कार्यक्रम में कमला हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर RB चौहान, अनुप जी नगर प्रमुख, विकास अग्रहरि, अर्चना शुक्ला, आशा मौर्य, मीना पटेल, ऋतु पटेल, वन्ना पटेल, रवि पटवा, हरिओम गुप्ता, कृपा शंकर, श्रीवास्तव, सोनू गुप्ता, वासु अग्रहरि, शत्रुघ्न जायसवाल, धमेंद्र पटवा, कृष्ण प्रजापति, जयनंद चौबे आदि हजारों राम भक्त उपस्थित थे। आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC भारत। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी बाकी से रखें।